हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जोमैटो LTD के बारे में। और गाइस, स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बट स्टॉक 137 के नीचे नहीं जा रहा है, उसी के ऊपर है ट्रेड कर रहा है। और यही कारण है कि स्टॉक में तेज़ी के संकेत हमें दिख रहे हैं और कभी भी एक बड़ा स्पाइक हमें स्टॉक में मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो गाइस, आप रेडी रहना, अगर आप इसके शेयर होल्डर्स हो तो आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, क्योंकि स्टॉक कभी भी बढ़ सकता है। सो गाइस, काफ़ी कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसके करंट प्राइस के बारे में, और फिर बात करते हैं क्या कुछ हुआ है। जोमैटो LTD के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो 137.70 रुपये पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी। और साथ ही अगर बात करें, 0.45 पैसे स्टॉक गिरा है 0.33% की तेज़ी के साथ। वही गाइस, अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लेवल आपको क्लियरली, यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा लेवल्स के बारे में। तो लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये लेवल्स हैं, बिल्कुल इन लेवल्स को टच करने की कोशिश कर रहा है। और वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसे रिजेक्शन मिला, यहाँ पर रिजेक्शन मिला, और यहाँ से फिर से ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश में है। इसीलिए जितना नीचे के लेवल्स पर हो सके आप बिल्कुल इसे खरीद सकते हो। और गाइस, वही अगर देखें, एक महीने में सिर्फ़ एक रुपये की तेज़ी है 0.77 पैसे के हिसाब से। वही गाइस, अगर देखा जाए यहाँ पर 6 महीने के टाइम फ्रेम पर, तो 127.60 रुपये तक स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी हमें नज़र आ रही है, और 6 महीने में। और वही है गाइस, जहाँ से ये ओपन हुआ था वही का है, और उसी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और गाइस, वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर ओपन हुआ था स्टॉक और कहाँ पर क्लोज़ हुआ था। तो कल के दिन की ही अगर मैं बात करूं, तो कल के दिन 138.95 रुपये पर स्टॉक ओपन हुआ था। 142 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया था, 135.80 रुपये का यहाँ पर लो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें कहाँ पर स्टॉक का, यहाँ पर मार्केट कैप के बारे में, तो मार्केट कैप भी आप देख सकते हो, 1.04 लाख करोड़ के आसपास का स्टॉक का मार्केट कैप है, जो इसे एक लार्ज कैप शेयर बनाता है। और स्टॉक को यही आप पता चल जाएगा, यही मार्केट कैप से ही कई बातें तो क्लियर हो जाती है गाइस कि स्टॉक में तेज़ी आने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि मार्केट कैप इसका देखो तो काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस, वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, 52 वीक का हाई है 152.75 रुपये का, और 52 वीक का लो है 115 रुपये के आसपास। वही गाइस, अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये हाई को टच करने की कोशिश में है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप नीचे के लेवल से ख़रीदारी कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर आपने थंबनेल में देख लिया होगा राकेश झुनझुनवाला जी का फोटो है, तो राकेश झुनझुनवाला जी ने काफ़ी तगड़े तगड़े यहाँ पर बयान दिए हैं, काफ़ी बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टेज पर अगर देखा जाए तो। अभी रिजन पे ही उनका एक इंटरव्यू हुआ था, उनमें भी उन्होंने बताया था जोमैटो के बारे में कि बिल्कुल स्टॉक क्वालिटी वाला है, बिल्कुल आप ख़रीद सकते हो। और जब जोमैटो लिस्टेड हुआ था, जब कंपनी लिस्टेड हुई थी मार्केट में, तब भी उन्होंने कहा था कि कंपनी अच्छी है और मेरी ओर से बिल्कुल शुभकामना है, बट मैं इसमें ख़रीदारी नहीं करूँगा। मैं जब ख़रीदारी करता हूँ उसका प्राइस काफ़ी सही होता है, बट गाइस यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, प्राइस सही होता है मतलब वो नीचे के लेवल से ही ख़रीदारी करता है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ख़रीदारी आ सकती है बड़ी। 141.23 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में हम बात करेंगे गाइस अभी, तो 141.23 रुपये के आसपास का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिख जाएगा। 144.72 रुपये का सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है। थर्ड रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 147.43 रुपये के आसपास का है। गाइस, सपोर्ट लेवल भी अगर देखा जाए 135.03 रुपये के आसपास का फर्स्ट सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर सेकेंड सपोर्ट लेवल की मैं बात करूँ, 132.32 रुपये के आसपास का है। वही अगर थर्ड रेजिस्टेंस लेवल देखा जाए 128.83 रुपये के आसपास दिख जाएगा। वही गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ प्राइस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में अगर डिस्कस करें तो 1 वीक का देख लेते हैं। 2.04% के आसपास का फर्स्ट प्राइस परफॉर्मेंस है फर्स्ट वीक का, जो कि अभी करंट में चल रहा है। वही अगर गाइस बात करें 1 मंथ का, तो 1 मंथ का भी आप देख सकते हो 4.28% के आसपास दिखाई दे रहा है।
वही गाइस आगे बढ़ते और देखते हैं कि क्या कुछ स्टॉक का ट्रेड वैल्यू है। और ट्रेड वैल्यू के बारे में अगर बात बताऊँ गाइस तो यहाँ पर ट्रेड वैल्यू काफ़ी अच्छा है स्टॉक का, क्योंकि कॉम्बिनेंट डिलीवरी और ट्रेड वैल्यू काफ़ी तगड़े आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वही अगर बात करें, हम पहले बात करेंगे पास्ट वन मंथ के एवरेज का, तो वही पास्ट वन मंथ के एवरेज का ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो ट्रेड वैल्यू, हम देखेंगे जो ट्रेड वैल्यू इसका चल रहा है वो है 1 करोड़ के समथिंग का, और जो कॉम्बिनेंट डिलीवरी है वो 60 लाख के समथिंग की दिख जाएगी। वही गाइस अगर बात करें कि क्या कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 वीक के एवरेज का यहाँ पर ट्रेड वैल्यू देखेंगे तो 2 करोड़ के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है 1 वीक का एवरेज। और गाइस वही अगर बात करें तो 69 लाख के समथिंग का यहाँ पर कॉम्बिनेंट डिलीवरी है। वही गाइस एस्टरडे की अगर बात करें तो एस्टरडे का भी आप देख सकते हो 69 लाख के समथिंग का यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएगा ट्रेड वैल्यू, और 26 लाख के समथिंग की है कॉम्बिनेंट डिलीवरी। वही गाइस अगर बताऊँ मैं कल के दिन क्या कुछ हुआ है, तो कल के दिन भी यहाँ पर तगड़ी बाइंग की गई है, 1 करोड़ के समथिंग का ट्रेड वैल्यू बढ़ा है। और वही अगर देखा जाए तो 45 लाख के समथिंग के ट्रेड वैल्यू मैं कल के दिन की बात कर रहा हूँ, 45 लाख के समथिंग का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ट्रेड वैल्यू। तो यहाँ पर कॉम्बिनेंट डिलीवरी और ट्रेड वैल्यू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है गाइस। अब बात करते हैं कि क्या कुछ कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के हिसाब से कहा जा रहा है, क्या हम बाय कर सकते हैं, और क्या कुछ होल्डिंग के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, पहले हम बात करेंगे कि बाइंग के लिए क्या नंबर से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 75% लोगों की ओर से बिल्कुल यहाँ पर बाइंग के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल आप बाय कर सकते हो स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और वही गाइस अगर बात करें सेलिंग के लिए, तो सेलिंग के लिए भी यहाँ पर 17% लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि आप सेल कीजिए। और वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर यही है लॉजिक की और स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, तो देखना होगा, बट स्टॉक में कभी भी बड़ा स्पाइक आ सकता है गाइस। वही अगर गाइस बात करें तो 8 करोड़ के समथिंग यहाँ पर लोग जो है वो कह रहे हैं होल्ड के लिए। तो मेरा मानना भी वही है गाइस कि अगर आपने नीचे के प्राइस पे अगर जोमेटो को ख़रीदा है तो बिल्कुल आप इसे होल्ड रख सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। वही गाइस काफ़ी अच्छा स्टॉक है, तगड़े रिटर्न भी देगा। और रेवेन्यूज़ अगर देखें तो रेवेन्यूज़ भी ईयर ऑन ईयर अच्छे बढ़े हैं 2015 से लेकर 2021 तक। यहाँ पर अगर बात करें गाइस 2015 के रेवेन्यू की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 78 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वही अगर बात करें 2018 के रेवेन्यू की, 371 करोड़ के समथिंग का है। 2019 का रेवेन्यू है 1159 करोड़। और 2020 का अगर रेवेन्यू देखें तो यहाँ पर 2336 करोड़ के आसपास का दिखाई दे देगा। वही 2021 का अगर देखा जाए रेवेन्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 का रेवेन्यू है 1713 करोड़ के आसपास का। वही अगर इस बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी डाउन ट्रेंड में ही है। 2015 के नेट प्रॉफिट को अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2015 में -71 करोड़ है, 2018 में -78 करोड़, 2019 में -570 करोड़, 2020 में -2451 करोड़, और 2021 में देखा जाए -886 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमने देख लिया है और काफ़ी कुछ बातें हमने कर ली है। वही गाइस अब बात कर लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर होल्डिंग्स है। होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग ही आपको देखने को मिलने वाली है, लगभग होल्डिंग है 81% के आसपास की। FII की होल्डिंग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तो गाइस स्टॉक तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है, और स्टॉक में काफ़ी बड़ा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि FII की होल्डिंग भी है 9.87 और स्टॉक तो काफ़ी दमदार है गाइस। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल खरीदारी कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक